श्रीकाल, मैं मंजीत बोल रहा हूँ। कौन? डिसूजा। डिसूजा, तू कहाँ से बोल रहा है? आपके पीछे से। तो मेरे पीछे से बोल रहा है तो सामने से फोन क्यों किया है? सर, हमने फोन नहीं किया, हमने घंटी बजाया। घंटी बजाइए? ओए, तू जब भी रिसेप्शन पर आता है मेरी नींद के सर पे चढ़कर चिल्लाता है। क्या हुआ, तेरे को मौत आ गई है? नहीं सर। तो किसी कस्टमर को कोई मौत आ गई है? नहीं सर। और तो किचन में किसी का दिमाग घूम गया है? नहीं सर, पूरे होटल में दिमाग सिर्फ आप ही के पास है। तो क्या किसी का आइडिया घूम गया? नहीं सर। ओहो, जब कुछ नहीं घूमा है तो नींद में मेरा दिमाग घुमाने क्यों आ गया? सर, आज चारों तरफ से प्रॉब्लम आ गए हैं। अच्छा, पलट गया ना, तेरे तो किसी तरह मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं दिखाई दे रहा है। नहीं सर, आप समझ नहीं रहे हैं। क्या है ना कि आज पूरे होटल की सफाई नहीं हुई है और बर्तन भी धुले नहीं हैं और सफाई करने वाले आने वाले नहीं हैं और बर्तन धोने वाले जो हैं उन्होंने एप्लीकेशन के बगैर छुट्टी ली है। बिना एप्लीकेशन के छुट्टी ले ली है? ओए, बिना एप्लीकेशन के छुट्टी लेने वालों की छुट्टियां कैंसिल कर दूंगा मैं। सर, लेकिन सफाई और बर्तन का मैं क्या करूं? मेरे से ऊंची आवाज में क्यों बात कर रहा है? मालिक मैं हूं कि तू है? मेरे से मालिकों की तरह बात मत किया कर, नौकरों की तरह बात किया कर, समझा ना? क्या की बज रही है? तू नहीं उठाएगा, तू नौकर है, मैं मालिक हूं, मालिक उठाएगा, समझा ना? हेलो, कौन? ओए, मैं नौकर नहीं बोल रहा हूं, मालिक बोल रहा हूं, मालिक। तू कौन बोल रहा है? ABCD? ओए, ये नर्सरी का स्कूल नहीं है, ये होटल है, होटल हिंदुस्तान। हाँ, क्या NRI ABCD? ओ अच्छा अच्छा अमेरिकन बॉर्न कंफ्यूज्ड देसी। अच्छा अच्छा ओए हाँ, और मेरे NRI मामे का, NRI मौसे का, मेरा NRI कजन है लखन। ओए लखन, क्या हाल है, है कैसे? क्या NRI में लखन को लकी कहते हैं? अच्छा अच्छा, चल फिर बोल, मेरे कंफ्यूज्ड लखन और फिर लकी कहाँ से बोल रहा है? क्या होटल के बाहर से? होटल के बाहर से बोल रहा है क्यों? अरे अच्छा अच्छा, होटल में एंटर करना है इसलिए इन्फॉर्म कर रहा है। ठीक है ठीक, क्या 5 मिनट में आ रहा है? ठीक है भाई, हम तेरा स्वागत की तैयारियां कर लेते हैं। हाँ, तो 5 मिनट में आ जाए, हम 2 मिनट में तैयारियां कर लेते हैं कि उसमें है? ओए, NRI ABCD लखन और लकी आ रहा है भाई, उसके स्वागत की तैयारियां कर रही है। ओए, कौन आ रहा है? किसे स्वागत की तैयारियां करनी है? ओए, कुलजीत है, अपारा कजन, और लकी आ रहा है, 5 मिनट में बस एंटर करने वाला है। जीजा जी, क्या ये वही लकी है जिसके पैदा होने के 5 मिनट बाद ही उसकी मम्मी की डेथ हो गई थी? ओयो लकी, ओए जो पतंग उड़ाते उड़ाते छत से सर के बल गिर गया था, जो सारा साल पढ़ाई करता था लेकिन फिर भी फेल हो जाता था। ओयो लकी, जब हंसता है ना तो रोता हुआ लगता है, और जब वो रोता है तो हंसता हुआ लगता है। ओयो लकी, ओये लकी जब पैदा हुआ था ना तब से ही अनलकी है। ये अनलकी कितना लकी है कि आज वो हमारे होटल में आ रहा है। हाँ भाई, ओए इस लकी के लिए लकी हार लेकर आ भाई, 4 मिनट रह गए आने। अभी गया, अभी आया। जा जा, हुण मैनू दसो ये लकी कौन है? ओ मैं कहते रहे हैं भाई, लकी लखन सिंह, कंजूस मक्की चूस, ABCD। ओ मेरा देवर लकी आ रही है। ओयो जीजा जी, ये वही है ना जिसे बचपन में मैं प्यार से लखो लखो कह के बोलता। ओयो लकी वही जो प्यार से तुझे पम्मो पम्मो कहता था। चलो जल्दी करो भाई, ये अमेरिकन बॉर्न कंफ्यूज्ड देसी टाइम के बड़े पाबंद होते हैं। चलो चलो। ओ मैन, शी इज माय इंडियन यार, मैं समझ गया, बाबी का मतलब है भाभी ना, समझ गया मैं यार। अच्छा, इसको पहचान सकते कौन है? Pam, 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 Lucky. Oh, my name is Lakhan, but you can call me Sajnoka, Sajan. तकलीफ क्या है तुझे? तकलीफ क्या है? ये गले लगाने की बीमारी अमेरिका से क्या लेकर आ गया है तू? बीमारी? हाँ। नेचुरल। और तुझे बहुत नेचुरल हो रहा है ना? तो गले लगना है? तो इसके लग लेना। इसको हमने यहाँ इसी काम के लिए रखा है। ये कौन है? What is this? This is a D Souza. This
Souza. Bissu. D'Souza. Bissu. Oh, D'Souza. Oh, D'Souza. ज़्यादा मत बोल वरना शाम तक गले ही लगता रह जाएगा. D'Souza. ओह चलो भाई इसको इसका कमरा दिखा देते हैं. ओके ओके. ओ ये कांजे कांजे टूट जाएगा यार इधर से. कांजे. ओह माय गॉड कांजे. कांजे मेरा लकी है भाई. तू अनलकी है. Now I open the bag. ओए पहिए, ओ तेरा ये पहियों वाला बैग सारा का सारा बाहर का है. Yes, I'm NRI, the bag is also NRI. Non-reliable Indian. Reliable American-based, confused desi, lucky. मैंने भी तो सिर्फ दो जोड़ी कपड़े हैं. Yes, one for day suit, यानी day में पहनने के लिए, और night suit. नाइट में पहनने के लिए. That's आप हमारे लिए अमेरिका से कुछ भी नहीं लाए. लाए हूं लेकिन ऑल कंट्री सब देसी मतलब पहली धार का. डोंट माइंड. ओके नाउ दिस इज अ कॉटन का रुमाल आपके लिए फ्रॉम काला घोड़ा की फुटपाथ. एंड बॉबी आपके लिए ये देसी नेकलेस फ्रॉम थीफ मार्केट चोर बाजार से. एंड मैनजीत तुम्हारे लिए प्योर कॉटन का प्योर अंडरवियर यानी चड़ी यानी कच्छा न्यू लिंक रोड से लाया. ओए सुट पर इसे अपने लिए सब कुछ विदेशी और हमारे लिए सब देसी. ओ बात क्या है कि मैं तुम लोगों का इंडियन हैबिट्स खराब नहीं करना चाहता. डोंट वांट टू स्पॉइल योर बैड इंडियन हैबिट्स. अगर तुम लोगों को इंपोर्टेड का आदत पड़ गया तो तुम मेंटेन कैसे करोगे. हाउ. हाँ अमेरिका जाके अपने आप को तो बहुत अच्छा मेंटेन किया है. ओ वैसे तो मेंटेनेंस इंडिया का भी बहुत अच्छा है. इधर देख इधर देख जी. तेरे पुराने रिकॉर्ड के हिसाब से अमेरिका से यहाँ तक तू आज तक कुछ देने तो आया नहीं है. अब लेने क्या आ गया मुझे ये बतला. सुना है कि इंडिया के दिमाग का जवाब नो आंसर टू इंडियन ब्रेन और अमेरिका के आइडियाज का हिसाब नहीं. नो कैलकुलेशन टू अमेरिकन आइडियाज. तो मैं यहाँ से इंडिया का दिमाग एक्सपोर्ट करने आया हूँ. और दिमाग एक्सपोर्ट करने आया है? Yes. तुझे पता है इस होटल में ना इन्हीं के पास दिमाग है और किसी के पास नहीं है. चुप करना. मुझे अपना दिमाग किसी भी हालत में एक्सपोर्ट नहीं करना है. नो 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 माय कजिन मालूम है तुम्हारा है ज्यादा वजन. यू आर हैवी वेट. मगर आप लोग मुझे मिसअंडरस्टैंड कर रहे हैं. मिस्टेकन आइडेंटिटी. मैं इंडियन दिमाग को डिब्बों में बंद करके एक्सपोर्ट करने की बात नहीं कर रहा हूँ. जब से यहाँ से बिल क्यों मांग रहे हैं अभी से. और वैसे भी तूने देना तय नहीं. ओहो बिल क्लिंटन जब से यहाँ से गया है वो इंडियन खाने के पीछे पड़ गया है. फॉलोइंग ओनली इंडियन फूड. आपका मतलब बिल का दिल हिंदुस्तानी हो गया है. करेक्ट. वहीं से मुझे आइडिया आया. वही आइडिया अमेरिका से मुझे इंडिया लेकर आया है. कमाल है दिमाग मेरे पास है. तू आइडिया अमेरिका से लेकर आ रहा है. करेक्ट. तुम्हारा दिमाग और मेरा आइडिया मिलके NRI इंडियन NRI हो जाएगा. मतलब होटल तुम्हारा दिमाग तुम्हारा आइडिया मेरा. मैं यहाँ पर होटल की टोटल ट्रेनिंग लेने के लिए आया हूँ. मैं यहाँ से एक्सपीरियंस लेकर जाऊंगा. फिर हम दोनों कजन अमेरिका में जाके खोलेंगे होटल हिंदुस्तान की एक नई ब्रांच. और हमारी कंट्री यानी अमेरिका खाएगा इंडियन खाना. फिर कभी तुम अमेरिका आना कभी मैं इंडिया आऊंगा. कभी तुम अमेरिका आके होटल हिंदुस्तान चलाना फिर कभी मैं इंडिया आके होटल हिंदुस्तान चलाऊंगा. कभी तुम गाना कभी मैं गाऊंगा. ये तेरा इंडिया ये तेरा इंडिया ये तेरा इंडिया ये तेरा इंडिया. तेरा इंडिया नहीं तेरा आइडिया. और मेरा दिमाग कह रहा है तू अमेरिका से यहाँ फ्री में होटल की ट्रेनिंग लेने आया है. हाँ कान खोल के सुन ले. हमारे यहाँ कोई भी चीज हो चाहे लेकिन ट्रेनिंग उसकी बहुत हार्ड होती है. बंदे का तेल ही निकल जाता है. I don't mind the oil massage. बंदे की टैं बोल जाती है. I don't mind the टैं. ओ हर काम बंदे को स्ट्रेचर से शुरू करना पड़ता है. स्ट्रेचर. ओह नीचे से मतलब स्क्रैच से. Oh, I don't mind the scratch. ओए हमारे यहाँ कोई भी बंदा ऊपर से नीचे नहीं आता है. हर बंदा नीचे से ऊपर जाता है. I'm ready to go up from down. सोच ले. I'm thoughtful. अच्छे thoughtful. D'Souza. D'Souza कौन? आ रहे अभी आ रहे. Oh, D'Souza. हाँ सर आपने बुलाया? नहीं मैंने नहीं बुलाया. तू बिना बुलाए आ गया है. ओए अनलकी लकी के आने से तू बहुत लकी हो गया है. तेरी टोटल प्रॉब्लम खत्म. हाँ लकी को ले जा स्ट्रेचर पे. स्ट्रेचर नहीं मेरा मतलब है इसको स्क्रैच से होटल का काम सका. अगर मुझे पता होता कि इंडिया में भी झाड़ू से काम शुरू करना पड़ेगा तो मैं अमेरिका से अपनी झाड़ू ले आता. आई वुड हैव ब्रॉट माय ओन ब्राइड एंड ब्रूम फ्रॉम अमेरिका. लकी नो कंप्लेंट्स. यू मस्ट डू व्हाटएवर अमेरिका सेज लाइक वर्क कल्चर. दिस इज वर्क कल्चर. नो कंप्लेंट्स. ओके. ओह
सर, आप अपने एनआरआई कजन लखन से फर्श साफ करवा रहे हैं, उन्हें बुरा तो नहीं लगेगा? अरे बुरा लगे या ना लगे, हैं? ये कंजूस कजन मेरा कजन है, तेरा तो नहीं है ना, हैं? अब फिर हमारे होटल में रहेगा, 3 टाइम खाना खाएगा और फर्श साफ करेगा तो इसका खाना हजम हो जाएगा, वरना तेरे पे हुक्म चलाएगा, समझा? बात करता है। लॉबी की सफाई में 10 कैलोरीज खर्च होंगी, दैट मींस 5 बादाम, ओह यस, 5 आलमंड्स, 5 कैलोरी, इसमें नहीं किसी की चोरी। सर सर देखो, आपके कजन जो है बादाम खा के फर्श साफ कर रहे हैं। देख रहा हूँ। आजा चल। लखू लकी, ओए तू फर्श साफ करते वक्त बादाम खा रहा है, ये बादाम भी एनआरआई है। यस, जितना काम उतने बादाम, एज मच वर्क एज मैनी आलमंड्स, ओके? कमाल, मेरे पास दिमाग होते हुए भी मैं बिना बादाम के काम करता जा रहा हूँ। ले जरा बादाम खिला। हाँ, काजन ब्रदर, मैं तुम्हारी आदत खराब नहीं करना चाहता। नो एलिमेंट्स फॉर यू, मैं तुम्हारे लिए ये लाया हूँ, मूंगफली 1, 2, 3, 4, 5, कोकोनट, मूंगफली कोकोनट, खाओ, ईट इट, एंजॉय सेल्फ, ओके? मेरे लिए बादाम, 1 more item। खुद बादाम खा रहा है और मुझे मूंगफली खिला रहा है, कोकोनट। सर, मूंगफली को तो अंग्रेजी में मंकी नट बोलते हैं। मंकी तो बंदर होता है भैया। नहीं नहीं, कोकोनट है, टेस्ट वैसी है कोकोनट जैसा। ओए, एक काम कर, फर्श साफ करने के बाद ना इसको बर्तनों की सफाई में लगा देना। ओके, सफाई अभियान शुरू। ओके, as crystal as clear. Okay, very good. Okay. Number 2. Haha, safai ka shehnshah. Lovely. Okay, number 3. Safai ka badshah. Okay, now. ये पतीला, अरे ये पतीला बहुत बड़ा है, तेरे से अकेले साफ नहीं होगा, जाकर अपनी फैमिली को लेकर आ। यू आर कॉर्डियली इनवाइटेड विथ योर फैमिली फॉर पतीला चाटोइंग सेरेमनी। ओ लकी, तेरे अमेरिका में खाने से पहले पीते हैं या पीने के बाद खाते हैं? एक्सक्यूज मी मिस्टर मैन जी, हम एनआरआई, हम आराम से पहले पीते फिर आराम से खाते हैं फिर आराम से सोते हैं हमेशा के लिए। इजी ईटिंग, इजी ड्रिंकिंग, इजी वॉकिंग। ठीक है, तो तू आराम से पी, हम तब तक खा लेते हैं। ओए कुकीते, इसे जानवर की तरह आराम से पीने दे, हम बंदों की तरह जल्दी खा जाते हैं। खाना खा दिया, अब ये क्या खाएगा? हड्डियां भी नहीं बची। नहीं, हड्डियां भी बढ़िया बची हैं। हां तो एक काम करो ना, हड्डी में और कुछ चीजें मिला के कोई नवी डिश बना दो, काकटेल से हो जाएगा ना। नाउ पुट द टेबल ऑन द फूड। अरे लकी, तेरा इंतजाम कर रहा हूं। तब तक आप हमें कुछ अमेरिका के बारे में बताओ। ओ माय, उसे किससे भाई? उसे यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। लवली, ब्यूटीफुल। आपको मालूम है उधर वाशिंगटन भी डीसी है। अच्छा, इधर मंत्रालय भी एसी है और वाशिंगटन है, यहाँ धोबी तलाव है जहाँ कपड़े वॉशिंग होते हैं टनों के हिसाब से। अरे अमेरिका में हमारे एक सफेद घर है, उसको बोलते हैं व्हाइट हाउस। और हमारे यहाँ भी एक सफेद बहुत बड़ा घर है, अजूबा भी है, उसे बोलते हैं ताजमहल। अरे हमारे अमेरिका में यू नो है मैनहट्टन ब्रिज, हमारे यहाँ मरीन ड्राइव है और पता नहीं 500 से ऊपर ब्रिज है। हमारे पास वेलिंगटन चर्च है, हमारे यहाँ चर्च का गेट है, हमारे यहाँ पे एप्पल टावर है, हमारी ये कुतुब मीनार है, हमारे यहाँ पे जू है, जू। तेरे यहाँ एक जू है या कुलजीत के सर में पता नहीं कितने जू होंगे? हमारे यहाँ मुंबई में दिल्ली का लाल किला है, लखनऊ का हजरतगंज है, हैदराबाद का गोल कुंड
कुंडा है और तुम्हारे यहाँ वो लिबर्टी के स्टैचू है, हमारे यहाँ शिवाजी के स्टैचू है, हमारे यहाँ बोरी बंदर है, बांद्र है, बोरी बली है, चर्च गेट है, दादर है, गांधी वली है, जोगेश्वरी है, अमरनाथ है, किसमल है, बॉम्बे इतना बड़ा, सच लॉन्ग बॉम्बे ओके अमेरिकन डिसाइड टू डू, हम भी तो डिसाइड टू डू, अमेरिकन नाउ डिसाइडेड आई वांट टू सी मुंबई इन इंडिया। अच्छा yes. अच्छा बता कैसे देखेगा, मर्सिडीज से देखेगा, बस से देखेगा, टैक्सी से देखेगा या पैदल ही चल पड़ेगा? जीजा जी ऑटो से देखेंगे, दोनों साइड दिखाई देगा। बैठ द साइड ओके ऑटोमेटिक ऑटो बम्बई रात की बाहों में डसूजे ऑटो मंगवा रहा हूँ, बस आ गया है, बहुत मजा आएगा। चल भी ऑटो मास्टर, गड्डी कर स्टार्ट और ले चल सीधी अमेरिका। अरे मेरा मतलब है मेरे अमेरिकी मेहमान को करवा दे मुंबई दर्शन, मुंबई में दिखा दे पूरा इंडिया, चल कर स्टार्ट। कल मुंबई में पूरी इंडिया देखने का मजा आया कि नहीं आया? नहीं मजा तो आया, आई रियली एंजॉयड इट, मगर क्या वो ऑटो में झटके बहुत, पूरा बदन टूट गया, होल बॉडी पार्ट्स आर ब्रोकन, एक्चुअली रिक्शा वाला बॉस वेरी रैश, पूरे बॉडी पर रैश हो गए। नेक्स्ट टाइम टेल दिस ऑटो वाला नॉट टू बी रैश, थोड़ा आराम से चला। कह देंगे देवर जी, उन्हें कह देंगे। नहीं नहीं, मैं उसे समझा दूंगा कि अगली बारी ऑटो स्टार्ट ही ना करे। बेटर है। अच्छा सुन, आज से स्क्रैच में बर्तन और झाड़ू मत करवाना। थैंक यू। पिंडा पिलूंदा नहीं नहीं, आज तो मैं होटल के जितने भी टॉयलेट है ना, उन्होंने पॉट ना बड़े गंदे हुए पे, वो आज को स्क्रैच करवावांगी। सारे होटल के पॉट, That's a jackpot. अमेरिका में यही तो करता था, सारे अमेरिका के पॉट्स मैंने साफ किए। एनआरआई।